क्या अनुपमा जोशी इंडिया वापस जाएंगी तो क्या लौट कर आएंगी कि अमेरिका की नहीं, या फिर स्पाइसी और चटनी बंद होकर ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप सभी को इन सारे सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। जहां पर आज के एपिसोड में हमें अनुपमा में देखने को मिलेगा कि अनुपमा इन सारी चीज़ों पर सोच रही होंगी, कि जहां पर मतलब वो यशदीप की बात को याद कर रही होंगी, जहां पर यशदीप ने कहा कि अब हमें अकेला छोड़ दो और तुम चली जाओ यहां से। जहां पर उसके बाद वो आराध्या की बात को याद करेंगी, जहां पर आराध्या को भी स्कूल में परेशान किया जा रहा था उनकी वजह से। जहां पर उन्हें आगे एक मतलब वनराज की भी बात याद आएगी, जहां पर वनराज ने कहा था कि तुमने इतना मुंह काला करा लिया है कि अब तुम्हें यहां पर डिम्पी टीटी की शादी पर भी आने की जरूरत नहीं है। जहां पर वो रास्ता ये सोच रही हूँ कि अब वो भारत वापस जाएंगे कि नहीं। और वहीं पर आप सभी को बता दें कि हमें आगे देखने को मिलेगा कि पाखी अपनी बेटी को डांट रही होगी कि तुमने पापा से बात क्यों की और मेरी शिकायत लगाने की तुमने बात की थी। वहीं पर मतलब डिम्पी आ जाती हैं और डिम्पी पाखी को डांटती हैं, और उसके बाद पाखी डिम्पी को याद दिलाती हैं कि तुमने अभी दो शादियां करनी हो, तुमने मेरे भाई को मतलब यहाँ से जिंदा वो कर दिया और अब तुम्हारी तीसरी शादी हो रही है, क्या तुम्हारी तीसरी शादी भी हो पाएगी कि नहीं, मुझे तो यही डर लग रहा है। और वो हो भी गई तो उससे के साथ तुम कितने दिन रहोगी, मुझे तो उसका डर लग रहा है। जहाँ पर आएंगे वो काफ़ी बेइज्जती करती हुई नजर आएंगी, जहाँ पर डिम्पी भी उस सवालों का जवाब देंगी और कहेंगी कि अगली बार अगर मुझसे मतलब उलझना हो तो अच्छे से मतलब ध्यान रखना कि मैं भी अब जवाब देना सीख चुकी हूँ। जहाँ पर आगे की स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि वनराज टीटू का पता लगाने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर बेल बजाते हैं, उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बेल नहीं खोलेगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं तो वो वहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किंजल अपनी बेटी को समझा रही होगी कि तुम मतलब स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, और कोई अगर कुछ बोलता है तो तुम अब उसका जवाब दो। जहां पर वहां पर तोसू आ जाएंगी और तोसू कहेंगे कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, और उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। उसके बाद वहां पर तोसू और किंजल की बहुत ही ज़्यादा बहस होती है, जहां पर मतलब तोसू कहते हैं कि अब तुम बस करो क्योंकि अनुपमा जोशी ने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया है, अब मेरा मतलब दिमाग भर चुका है। जहां पर उसके बाद वो कहेंगे कि मैंने आज रात की फ्लाइट कर ली और हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, उसके बाद शादी के बाद वापस आएंगे। जहां पर आएंगे देखने को मिलेगा कि हमें वनराज वापस लौटकर उससे मतलब नमस्ते करेंगे, जहां पर वो दरवाजा उन्होंने खोल दिया था। और आगे की स्टोरी हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपना बैग कर मतलब पैक करने लगी हैं, वहीं पर अनुज आ जाते हैं और अनुज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो नहीं रुकती हैं। और हमें आगे देखने को मिलता है कि अनुपमा और अनुज के बीच में मतलब बातचीत होती है, और जहां पर अनुपमा कहती हैं कि अब मैं वापस जाऊंगी, जहाँ पर अनुपमा कहेगी कि मैंने आप लोगों को बहुत सारे दुख दिए हैं और अब मुझे जाने दीजिए। जहाँ पर वो कहेंगे कि भले ही वहाँ पर मतलब जाकर मिस्टर शाह उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुनाए, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँगी क्योंकि डिम्पी ने कहा है कि वो मेरे बिना शादी नहीं करेगी, और इसी वजह से वो वहाँ पर जा रही हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर मतलब इंडिया में सारे परिवार वाले मतलब वहाँ पर बैठे रहते हैं और बातचीत होती है, जहाँ पर वो कहते हैं मतलब माँ सबके लिए तैयारियाँ कर रही हैं, जहाँ पर वो मतलब अपनी पोती परी और किंजल और साथी तोसू के लिए लड्डू अचार पापड़े सब कुछ बना रही हैं। जहां पर बाबूजी कहते हैं कि कल तक तो तुम बहुत ही ज़्यादा थकी थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा ताजगी कहां से आ गई और तुम ये सब चीज़ें करने लगी। उसी बीच हमें देखने को मिलता है कि वहां पर अनुज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि मतलब अनुपमा जो है वो मतलब वापस जा रही है इंडिया। जहां पर आगे देखने को मिलता है कि वहां पर डिम्पी आती हैं और डिम्पी पूछती हैं कि माँ मतलब माँ आ रही हैं कि नहीं मेरी शादी में, जहां पर बाबूजी कहते हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे पूछने की। जहां पर मतलब माँ कहती हैं कि अनुज और आराध्या अगर आएंगे तो वो अनुपमा तो आएगी ही आएगी। जहां पर आएंगे हमें देखने को मिलेगा कि उसके बाद वनराज और डिम्पी के बीच बहस होती है, और जहां पर वनराज कहते हैं कि तुम अनुपमा के ना आने की वजह से तुम इस शादी को नहीं तोड़ो, हाँ दूसरी कोई वजह हो तो इस शादी को तोड़ सकती हो। जहां पर बाबूजी कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। जहां पर उसके बाद मतलब डिम्पी से वनराज कहते हैं कि तुम कहो तो मैं खुद अनुपमा से बात करूँ और इस शादी के लिए इन्वाइट कर दूँ। जहाँ पर वो वन ही मन में कहते हैं कि अब तो मैं चाहता हूँ कि अनुपमा यहाँ पर आए और यहाँ पर जो तहलका मचने वाला वो सब चीज़ें यहाँ पर वो देखे। जहां पर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो पॉप्स हैं मतलब कि अनुज अपनी बेटी आराध्या से कहेंगे कि इंडिया चलने के लिए तैयार हो कि नहीं, जहां पर वो कहेंगे कि डिम्पी की और टीटू शादी की वजह से जाना है,
जहाँ पर वो सृष्टि को भी बोलेंगे, लेकिन सृष्टि बोलेगी कि मैं नहीं जानती हूँ किसी को, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ। जहाँ पर उसके बाद हमें देखने मिलेगा कि अनुपमा वहाँ पर यशदीप से मिलने जाएगी और यशदीप जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगी बोलेंगे कि आप क्यों आई हो, जहाँ पर वो कहेगी कि मैं बीजी से मिलना चाहती हूँ, तो वो कहेंगे कि हाँ मैं बीजी से बता दूंगी कि तुम मिलने आई थी। जहाँ पर वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करेंगे वहाँ से बीजी कहेंगे कि दरवाज़ा खोल, जहाँ पर वो मतलब अनुपमा अंदर आएगी और बीजी से मिलेगी और गले लगकर रोएगी। जहाँ पर उसके बाद कहेगी कि मैं वापस आऊँगी और स्पाइसी चटनी फिर से खोलेगा, जहाँ पर वह दीप कहेंगे कि स्पाइसी चटनी खोल के करने क्या है, क्योंकि वहाँ पर ग्राहक तो आने वाले नहीं है, जितनी बेइज्जती हो चुकी है। जिसके बाद कहेंगे कि नहीं सब कुछ होगा और वो उसी तरह से चलेगा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे और आगे हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया में माँ वहाँ पर फूल बनाकर वनराज से कहेंगे कि ये आप किचन में रखाओ, जहाँ पर वनराज इसके मतलब किचन पर रखने जाएंगे और उसी बीच वो वहाँ से टीटू आ जाएगा और टीटू अपनी थाली हाथ में ले लेगा, वहाँ कहेगा कि मैं रख के आता हूँ, अपनी शादी में काम करना पुण्य का काम होता है। उसके बाद हमें देखने मिलेगा कि अनुपमा घर जाने के लिए वापस आएगी और वहाँ से जैसे ही घर से निकलेगी तो आराध्या वहाँ पर मिलेगी और अनुपमा सृष्टि से मिलेगी और सृष्टि से बोलेगी मैं वापस जा रही हूँ और सृष्टि बोलेगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि स्पाइसी चटनी हमेशा के लिए बंद हो चुका। जहाँ पर अनुपमा कहेगी कि वो हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ अभी के लिए बंद हुआ है और वो खुलेगा। उसके बाद वहाँ से वो मतलब जाने वाली होती हैं, उसके पहले वो अपने बैग से एक कान्हा जी की एक मूर्ति निकाल कर सृष्टि को देती हैं कि आप इन्हें रखिए, आजकल मेरी इनसे लड़ाई चल रही है लेकिन मैंने कह दिया है कि ये आपका ख्याल रखें। जहाँ पर उसके बाद जैसे वहाँ से वो निकलने वाली होती हैं, उसी बीच हमें देखने मिलेगा कि वो आराध्या से टकराती हैं और आराध्या से गले मिलती हैं, लेकिन आराध्या उनसे गले नहीं मिलती हैं और वो अपने मतलब ज़बरदस्ती गले मिल लेती हैं और उसके बाद वो वहाँ से निकल रही होती हैं। उसके बीच में आप सभी को देखें कि वहाँ पर देखने को मिलेगा कि मतलब जो घर पर टीटू आए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस शादी को लेकर, डिम्पी और टीटू की। और उसी बीच हमें देखने को मिलेगा कि यशदीप से जब अनुपमा मिलती हैं तो जब आने वाली होती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि प्लीज सर मुझसे नफरत मत कीजिए, गुस्सा रहिए लेकिन नफरत मत कीजिए। वहाँ से वो जय श्री कृष्ण कह के वहाँ से निकल आती हैं और उसके बाद वो अनुपमा स्पाइसी चटनी जाती हैं और सारे स्टाफ के साथ सेल्फी लेकर आती हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अनुपमा हम लोग सब आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि वो एयरपोर्ट पहुँचेंगे और अनु से बात होगी और अनु से कहेंगी कि मैं जीरो बनकर आई थी और जीरो बनकर जा रही हूँ। जहाँ पर अनुज कहेंगे कि तुम्हें लगता है कि तुम जीरो हो, तुम जीरो नहीं तुम हीरो हो और तुम वहाँ से एक नई मतलब ताजगी के साथ आओगी और फिर से तुम्हें आकर यहाँ पर नमस्ते अमेरिका कहना है। जहाँ पर वो वहाँ से फिर मतलब एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती हैं और ये सोचती हैं कि क्या मैं भारत जा रही हूँ वापस, तो क्या मैं अपनी हार को जीत पर बदल पाऊँगी कि नहीं और क्या मुझे वहाँ पर सभी लोग मतलब प्यार देंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें वो सोचती वहाँ से चली जाती हैं।